सो हे गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच से। कल का मैच गाइस बहुत रोमांचक मैच है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 291 रन बनाए थे। अफगानिस्तान को यह रन सिर्फ 37 ओवर में चेस करना था। सिर्फ 2 रन से अफगानिस्तान की टीम इस मैच को हारी है। बट बाद में अफगानिस्तान के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने कुछ ऐसा कहा, उन्होंने बताया कि वी वेर नेवर कम्युनिकेटेड विद दोस कैलकुलेशन, ऑल वी वेर टोल्ड वाज वी नीडेड टू विन इन 37.1 ओवर्स। इनका यह कहना है कि हमें पूरी डिटेल्स में बताया नहीं गया था, हमें बस इतना बताया गया था कि 37.1 ओवर में हमें यह मैच जीतना है। सो ये बहुत बुरा हुआ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। एक मिस कैलकुलेशन की वजह से वो एशिया कप से बाहर हो गए। नेक्स्ट बात करने वाले क्विंटन डीकॉक के बारे में। सो आपको तो पता ही होगा, रिसेंटली मैंने बताया था कि क्विंटन डीकॉक रिटायर करने का फैसला ले लिया ओडीआई क्रिकेट से। अब ऐसा न्यूज़ सामने आ रहा है कि क्विंटन डीकॉक विल फोकस ऑन टी20 लीग अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड कप, अ बिग मिस फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआईज, ही इज जस्ट 30। सो क्विंटन डीकॉक ने यहां पे कहा है कि मैं टी20 खेलूंगा, देन टी20 लीग जो होते हैं वर्ल्ड में वो खेलूंगा। वहीं पे एक और न्यूज़ सामने आ रही है, क्विंटन डीकॉक इन डाउट फॉर सीरीज अगेंस्ट इंडिया आफ्टर बीबीएल साइनिंग। सो ऐसा बताया जा रहा है कि क्विंटन डीकॉक इज लाइकली टू बी अनअवेलेबल फॉर द व्हाइट बॉल सीरीज अगेंस्ट इंडिया इन द दिसंबर आफ्टर साइनिंग फॉर द बीबीएल। बीबीएल की इस एग्रीमेंट की वजह से बताया जा रहा है कि क्विंटन डीकॉक अगेंस्ट इंडिया का जो सीरीज वाली उसमें नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर फोर मैच के बारे में। पिछली बार तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो था वो पूरा मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया, बट एक बार फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला जो कि 10 तारीख को कोलंबो में होगा। वहीं से एक बहुत ही बुरी न्यूज सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ऑन संडे लाइकली टू बी इंटरप्टेड बाय रेन। सो इस बार भी बारिश ने ठान लिया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने देना है नहीं। मतलब सारे लोग एशिया कप देख रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस के लिए, और एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो ही नहीं पा रहा है। आई होप कि संडे के दिन बारिश ना हो और मैच पूरी तरह से हो पाए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ से दो न्यूज सामने आ रही है। पहला न्यूज तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दिया वर्ल्ड कप के लिए, प्रेजेंटिंग योर 15 प्लेयर्स मेंस प्रोविजनल स्क्वाड फॉर द 23rd वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने कप्तानी की जिम्मेदारी पैट कमिंस को दी है। सवाल ये उठता है कि कप्तानी की जिम्मेदारी स्टीवन स्मिथ को भी मिल सकती थी, बट उन्हें पैट कमिंस को दी है। और दूसरी न्यूज ये आ रही कि पैट कमिंस, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल एंड मिचेल स्टार्क माइट नॉट बी फिट टू प्ले बिफोर द 23rd वर्ल्ड कप। रिसेंटली वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सीरीज होने वाला है, उस सीरीज से पहले ही अपडेट सामने आ रही कि पैट कमिंस, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये है कि शायद ये चारों प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे। नेक्स्ट बात करने वाले रोहित शर्मा के बारे में। किसी यूजर ने ट्वीट किया था, रोहित शर्मा इज नो मोर द कैप्टन ऑफ इंडिया, रोहित शर्मा इज नाउ द कैप्टन ऑफ भारत। अरे रूमर्स और न्यूज़ से गाइस ये पता चल रहा है कि टीम इंडिया नहीं अब टीम भारत होने वाली है। अब ये तो ऑफिशियली नहीं पता चलेगा जब टीम इंडिया की जर्सीज लॉन्च होगी वर्ल्ड कप के लिए। इसके बारे में और भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तरफ से दो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फर्स्ट अपडेट इज द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 23rd ट्रॉफी इज इन लाहौर। सो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पूरी दुनिया घूम करके पाकिस्तान के लाहौर सिटी में आ चुकी है। नेक्स्ट अपडेट, आईसीसी ने एक और पोस्टर जारी किया वर्ल्ड कप 2023 के लिए। इस पोस्टर में सारे कैप्टन एक बस पे सवार है। लास्ट बात करने वाले जैसा के बारे में। तो न्यूज सामने आ रही है, आईसीसी प्रेसिडेंट जयसा इन्फॉर्म टू पीसीबी दैट द सुपर फोर मैचेस एंड द फाइनल विल बी प्लेड इन कोलंबो एज ओरिजिनल अराउंड डिसाइड द चेंजेस ऑफ रेन, नो चेंजेस इन वेन्यूज। आईसीसी के प्रेसिडेंट जयसा ने कंफर्म कर दिया कि सुपर फोर के सारे मैचेस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया कि हम एक मीटिंग करेंगे आईसीसी के साथ, उसके बाद डिसीजन होगा। सो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे न्यूज सबसे पहले जानने के लिए।